हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो बताने जा रहा हूँ मैं एवरी थिंग अबाउट अ बार टेंडर, लाइक्स टिप्स ऑफ अ बार टेंडर, सैलरी ऑफ अ बार टेंडर, वर्किंग आवर ऑफ बार टेंडर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बार टेंडर, एवरी थिंग यू वांट टू चेक आउट इन दिस वीडियो। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर बार टेंडर में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं एज अ बार्टेंडर ऑन अ क्रूज शिप, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग इन दिस वीडियो। दोस्तों उससे पहले बता दूं कि मेरा नाम अरुण है और मैं होटल मैनेजर और क्रूज जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। सो अगर अब तक आपने अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों सबसे पहले बताऊँगा कि वर्किंग आवर इन अ क्रूज ऑन अ क्रूज शिप एज अ बार कितना होता है। दोस्तों एज अ बार अगर आप क्रूज पर काम करो तो मिनिमम आपको 10 आवर कंपलसरी काम करना, एंड समटाइम लाइफ यू आर एक्सीडिंग मोर देन 10 आवर देन यू विल हैव टू गेट पेड। मतलब आपको अगर 10 घंटे से काम करते हो, 10 घंटे से ज़्यादा काम करते हो क्रूज़ पे एज अ बारटेंडर, तो आपको उसका एक्स्ट्रा पैसेज मिलेगा। उसके बाद दोस्तों मैं ऑफ़ के बारे में बताऊँगा कि ऑफ़ होता है या नहीं हमें क्रूज़ पे काम करना। दोस्तों अगर आप क्रूज़ पे काम करो तो आपको डे ऑफ नहीं मिलेगा कभी भी। हाँ, एज अ लाइक मेडिकली यू आर नॉट फिट देन, अगर डॉक्टर ने अप्रूव किया कि यू आर नॉट एबल टू वर्क लाइक 10 आवर, 12 आवर, 20 आवर, देन उस बेसिस पे आपको ऑफ मिलता है। If I talk about tips, then like as a bartender you are working on a cruise ship, you will get a good amount of tips, cash tips. I will talk about like salary, how much salary you get if you are working as a bartender on a cruise ship. Like you get a minimum, it's like 1600, 1500 you get, maximum you can exceed like $3,500 USD in a month. This much amount you will get a salary as a bartender. Sometimes it depend on the company to company also, like some of the company paying $1,600 as a bartender. Apart from that you will get tips, it's not included in the tips you will get separately. Then friends, I gonna tell you like what are the responsibility you will have to do. This main major responsibility as a bartender is like making the drinks and dispensing the all the beverage or drinks, like either it will be alcoholic as well as non-alcoholic, both you will have to make it and dispense it also. First thing. Second thing, like you will have to do inventory also. Third thing, storing also you need to do. Like inventory you will have to do like in a daily basis, weekly basis, as well as monthly basis. Also in a short I want to tell you everything and I like very fast. Salary you will get around $1,500 to like $3,500 every month. Then tips, yes you will get tips. Off, no day off, you will get on a medical off. And then responsibility, there is a lots of responsibility as a bartenders, like you'll have to follow USPS as well also. Like so you will have to do make a drinks, you will have to make inventory every weeks, every month, then a storing, upselling, then you will have to maintain your bar area as per the USPS standard. तो दोस्तों इट वाज ऑल अबाउट द बारटेंडर। बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट करके पूछा था सर बारटेंडर के बारे में कुछ बताओ, इसमें और भी कोई क्वारी चाहिए तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एवरीवन। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू, हैव अ लवली डे।